वेलकम टू आवर ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट। इन दिस इंग्लिश सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्टिकल्स इन देयर। लास्ट पीरियड हमने आर्टिकल्स के बारे में जानकारी ली, उसमें हमने यस्टरडे वी लर्न अबाउट ए एंड द आर्टिकल्स, जिसमें ए का यूज कैसे करते हैं, एंड का यूज कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको यस्टरडे बताया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आर्टिकल्स। द आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं। सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, यू हैव टू पे अटेंशन फ्रंट एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली। सो लुक एट हियर, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वी यूज डिफरेंट आर्टिकल्स द इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, सो द आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं, कौन कौन से केसेस में किया जाता है। अभी द आर्टिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी ए एंड का यूज कैसे किया जाता है, मैंने आपको लास्ट वर्ड बताया। So I'll revise this thing first. A articles we use. The words we are beginning with the consonants, that time we have to use A article. The words which beginning with the vowel or silent H, that time we have to use an article is there. With the article we use case article. So when we use different article the in the following cases. First is there, when we refer to a whole class. जब हम एक होल क्लास को रेफर करते हैं, एक ग्रुप को रेफर कर रहे हैं, दैट टाइम वी हैव टू यूज द आर्टिकल। फॉर एग्जांपल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द डॉग, डॉग इज अ फेथफुल, फेथफुल वफादार, राइट। सो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यह बहुत ईमानदार कुत्ता है। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, राइट। सो डॉग कैसा है, फेथफुल एनिमल है। तो फेथफुल एनिमल दिस इज अ वन ग्रुप, तो फेथफुल एनिमल में कौन आ रहा है, डॉग। सो डॉग के बिफोर क्या आएगा, द, द डॉग। सो दैट टाइम यू हैव टू यूज द इज देयर। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। सेकंड वन इज देयर, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। यूजफुल एनिमल का एक ग्रुप है, उसमें वी हैव टू यूज काउ। द काउ इज द फेथफुल एनिमल, यानी द का हम कब यूज कर सकते हैं, द व्हेन वी रेफर टू अ होल क्लास। जब हमें एक होल क्लास को, होल ग्रुप को रेफर करना है, प्रेजेंट करना है, दैट टाइम वी हैव टू यूज द आर्टिकल इज देयर। गॉट इट। नाउ सेकंड पॉइंट इज, बिफोर द नेम्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। बिफोर द नेम्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट जब जब यूज होते हैं, दैट टाइम वी हैव टू यूज द आर्टिकल। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के आगे आपको द आर्टिकल का यूज करना बहुत जरूरी होता है। सो तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, द सन शाइन्स इन द स्काई। सन, दिस इज द नेचुरल ऑब्जेक्ट। स्काई, दिस वन इज ऑल्सो नेचुरल ऑब्जेक्ट। तो दोनों वर्ड्स के बिफोर, उसके आगे क्या यूज हुआ है, द आर्टिकल इज देयर। सो सी डियर बॉयज एंड गर्ल्स, हियर द सन, द स्काई, सो वी हैव टू यूज बिफोर द नेम्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बिफोर हमें द आर्टिकल का यूज करना बहुत जरूरी होता है। सो वी हैव टू यूज द आर्टिकल बिफोर द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। Second is there, the earth moves round the sun. The earth, this is the natural object. The sun, this one is also natural object. ठीक है? So see, the earth moves round the sun. Earth moves round the sun. The sun is a natural and earth is also natural object. So that time, that word, before that word, we have to use the article is there. Okay, so see here boys and girls, now third point is, famous buildings, names of certain states or countries etc. Abhi ek koi building hai jo famous hai, right? So the famous building, name of a certain states or countries, famous building certain states or countries hai, इनके आगे आपको द आर्टिकल का यूज करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, द ताजमहल। ताजमहल, दिस इज द फेमस बिल्डिंग, राइट। सो द ताजमहल इज देयर, द रेड फोर्ट इज देयर, फेमस बिल्डिंग इज देयर, एंड दिस इज ओनली वन इज देयर। ओके, द पंजाब, दिस इज द सर्टेन स्टेट और कंट्री। द डेक्कन,
the Taj Mahal, the Red Fort, the Punjab, the Deccan. These are the examples. Okay. So ऐसे examples दिए हैं मैंने आपको चार examples दिए dear boys and girls. ऐसे अलग अलग कौन से होते हैं. But for examples I give you the Taj Mahal is there, the Red Fort is there, the Punjab is there, the Deccan is there, the USA is there. So ऐसे countries or states जो certain countries or states हैं उसके आगे आपको द आर्टिकल का यूज करना है. फेमस बिल्डिंग है जो एक ही है पूरे विश्व में पूरे इंडिया में दैट टाइम यू हैव टू यूज द आर्टिकल इज देयर. ओके देन फोर्थ पॉइंट इज नेम्स ऑफ ट्रेन शिप्स एरोप्लेन्स. अभी जो ट्रेन के नाम होते हैं शिप्स के नाम होते हैं एरोप्लेन के नाम होते हैं उसके नाम के आगे आपको द आर्टिकल का यूज करना जरूरी होता है. दैट टाइम यू हैव टू यूज द आर्टिकल इज देयर. For example, the Taj Express, the Shalimar Express, like this. So the Taj, the Shalimar, these are the names of trains. So that time we have to use the article. So dear boys and girls, आज के सेक्शन में हमने the article का यूज कैसे करते हैं. First is there when we refer to a whole class, जब हम whole class को refer कर रहे हैं, that time we have to use the article. सेकेंड पॉइंट बिफोर द नेम्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. जब कोई नेचुरल थिंग है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है उस वर्ड नेचुरल वर्ड के आगे आपको द का यूज करना है द आर्टिकल्स का यूज करना है. थर्ड पॉइंट इज देयर फेमस बिल्डिंग नेम ऑफ अ सर्टेन स्टेट्स और कंट्रीज. कोई फेमस बिल्डिंग है सर्टेन स्टेट्स का नाम है कंट्रीज का नाम है दैट टाइम वी हैव टू यूज द आर्टिकल इज देयर. एंड फोर्थ पॉइंट इज देयर नेम्स ऑफ ट्रेन शिप्स एंड एरोप्लेन्स. नेम ऑफ ट्रेन शिप्स एंड एरोप्लेन्स. ट्रेन के नाम से शिप्स के नाम है और एरोप्लेन के नाम है तो दैट मीन्स बिफोर दैट यू हैव टू यूज द आर्टिकल इज देयर. सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स आज के सेक्शन में हमने द आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी ली. सो टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू राइट डाउन दिस.